दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। मेरा नाम हार्दिक है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और पेशे से ग्राफिक्स डिज़ाइनर हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मेरे बॉस ने मुझे कुछ ज़रूरी काम से रोक लिया था। रात के करीब 2 बजे मुझे ऑफिस से प्रेस के लिए निकलना था। मैंने ऑटो वाले को रोककर प्रेस की तरफ जाने को कहा। बीच रास्ते में मुझे 2 महिलाएँ खड़ी हुई दिखीं, लेकिन मैंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ऑटो वाले को रोककर शिलाज क्रॉसिंग पर उतरने को कहा और वे दोनों मेरे बगल में बैठ गईं। जब हम क्रॉसिंग पर पहुंचे तो एक महिला वहां पर उतर गई। थोड़ी देर बाद उस दूसरी औरत ने मेरे पैर पर अपना पैर रखा और कहा, भैया क्या आपने उस औरत के पांव देखे? मैंने कहा, नहीं, क्या हुआ? वह बोली, उसके दोनों पांव उल्टे थे। मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बोला, तो क्या हुआ? तो उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी मुस्कान आ गई और वह बोली, भैया मेरे भी दोनों पांव उल्टे हैं। और जब मैंने उसके पैरों को देखा तो उसके भी दोनों पैर उल्टे थे। डर के मारे मेरी चीख निकल गई और मैं बेहोश हो गया। सुबह करीब 4 बजे मुझे होश आई और मैंने तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन किया कि वो आकर मुझे ले जाए। इस हादसे के बाद मैं लगभग 10 से 15 दिनों तक बीमार रहा। आज भी इस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना मेरी बहन सिमरन के साथ घटी थी। ये बात तब की है जब वह कॉलेज में थी। उस समय वो हॉस्टल में रहा करती थी। एग्जाम्स नज़दीक थे तो इसलिए वो और उसकी सहेलियां पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चले जाया करती थी। उस रात सिमरन और उसकी सहेलियां पढ़ने में इतनी मगन थी कि ना जाने कब रात के 12:30 बज गए। आसपास बिल्कुल सन्नाटा और लाइब्रेरी में उनके अलावा और कोई नहीं था। तभी सिमरन ने सोचा कि पढ़ पढ़ कर तो बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेला जाए, ऐसे हमारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तभी उसकी सहेली निशा ने कहा कि चलो हम किसी आत्मा से बात करते हैं। वह तुरंत अपने कमरे में गई और एक ओइजा बोर्ड ले आई। ओइजा बोर्ड आत्माओं से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ए से जेड तक अल्फ़ाबेट, 0 से 9 तक नंबर और किनारे पर यस और नो लिखा होता है। निशा ने बोर्ड के चारों ओर मोमबत्ती जला दी और लाइब्रेरी की सारी लाइट्स बंद कर दी और सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। ये सब देखकर 2 लड़कियां तो पहले ही भाग गईं और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक उंगली रख दी। निशा ने कहा कि कुछ भी हो, कोई यहाँ से उठकर नहीं भागेगा, वरना आत्मा हमें नुकसान पहुँचा सकती है। फिर वो बोली, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो। तभी लाइब्रेरी में कहीं से कुछ अजीब आवाज़ आई। उन्होंने सोचा कि शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय एक सिक्का हिला और सिमरन ने पूछा, क्या यहाँ कोई आत्मा है? तभी लाइब्रेरी का पक्खा जोर जोर से हिलने लगा। ये देखकर सभी लड़कियाँ डर के मारे भागने लगीं, लेकिन निशा ने उन्हें भागने से मना कर दिया। उसने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर यहाँ कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो। कुछ देर तक तो सन्नाटा रहा, लेकिन अचानक ही सारी मोमबत्तियाँ बुझ गईं और तभी लाइब्रेरी में किसी के पैरों की आवाज़ आने लगी। सभी लड़कियां अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली, लेकिन बेचारी सिमरन पीछे रह गई। वो भागने ही लगी कि अचानक ही लाइब्रेरी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। सिमरन ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियाँ जाग उठीं और लाइब्रेरी का दरवाज़ा तोड़कर उसे बाहर निकाला। आज भी सिमरन को लाइब्रेरी की इस घटना के डरावने सपने आते हैं। मेरा नाम रघुराम है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। आपने तो सुना ही होगा कि रात को पानी पास रखकर सोना चाहिए। यह कहानी जो मैं आपको बताऊंगा यह भी उसी पर आधारित है। 10 साल पहले की बात है।
मैं अपने मामा जी के घर जैसलमेर गया था। वहां जाने पर पता चला कि यहां तो पिछले 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो मैं मामा जी के लड़के के साथ पानी लेने के लिए चल पड़ा। तब उसने मुझे एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल एक महिला का बच्चा बीमार था और पानी के लिए रो रहा था। वो महिला गांव के हर घर में जाकर पानी मांगती थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब वो वापस लौटने लगी तो उसने रास्ते में ठाकुर साहब के घर में पानी देखा और उनसे बिना पूछे पानी पीने लगी। ठाकुर साहब ने जब ये देखा तो वे बहुत गुस्सा हुए और उस महिला की हत्या कर दी। बाद में उस बच्चे की भी पानी ना मिलने के कारण मौत हो गई। और कुछ ही दिनों बाद सुनने में आया कि ठाकुर साहब और उनके परिवार की किसी अदृश्य शक्ति ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है। दिन ढल रहा था, हम वापस आ ही रहे थे कि अचानक एक बच्चा हमारे सामने आकर हमसे पानी मांगने लगा, लेकिन हमने उसे मना कर दिया। रात को खाना खाने के बाद मैं पलंग पर लेट गया। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि अचानक वो बच्चा दोबारा मेरे सामने आकर मुझसे पानी मांगने लगा। गुस्से में आकर मैंने उसे भगा दिया, लेकिन इस बार उस बच्चे के साथ वो औरत भी थी। उसके चेहरे पर काफ़ी गुस्सा था। जब मैं उठा तो देखा वहाँ कोई नहीं है। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है। रात के करीब 2 बजे मुझे कहीं से पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी मामी होगी। मैं पलंग की तरफ लौटा ही कि अचानक वो आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई दी। मैं गुस्से से उबल उठा और बोला, कौन है उधर? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, अभी बताता हूँ तुम्हें। तभी मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि एक औरत हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ी है और पानी मांग रही है। डर के मारे मैं बाहर भाग गया, पर रास्ते में एक पत्थर से टकरा कर गिर पड़ा। जब मैं उठा तो वह औरत ठीक मेरे सामने कुल्हाड़ी लिए खड़ी थी। उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के हल्के बादल थे। वो औरत मुझ पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक आसमान से पानी की कुछ बूंदें उस पर आ गिरी और वह गायब हो गई। अगले दिन सुबह 5 बजे मामा जी को बिना बताए मैं वहां से निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा तो देखा कि एक बच्चा पानी के लिए रो रहा है। वह औरत मेरे पास आई और पानी मांगने लगी। मैं घबरा गया और अपनी बोतल से उन दोनों को पानी पिला दिया। उसके बाद मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया। तब से लेकर आज तक मैं हमेशा अपने पास पानी रखकर सोता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप कुछ ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं।